भाई लोग कैसे हैं? आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, आज का ब्लॉग बहुत रोमांचक होने वाला है। हम लोग गए थे तमकोहीं राज से घर जा रहे हैं, तो सोचे आपको कुछ नज़ारा दिखाते चलें। तो चलिए हम आपको वो नज़ारा दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। ये है नहर, बड़ा नहर है, उससे ही सटे हुए ये रोड बना हुआ है। मैं आफ्ताब आलम, हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, अब नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। गाड़ी चला रहे हैं दिलीप भाई, बहुत अच्छे से चला रहे हैं गाड़ी। इतना अच्छा नज़ारा आप लोग देखे होंगे कि नहीं, मैंने सोचा दिखा दूं। अब जो ये नहर है आगे चल के वो पुल रोक रहा है, वो कवाड़ा है, इधर भी है, इधर भी साइड में भी है। हम लोग गए थे तमकोहीं, सोचे हम आपको जा रहे हैं घर पर तो आपको कुछ नज़ारा दिखाते चलें। यहाँ पे हरन ले लीजिएगा दिलीप भाई, गाड़ी वाड़ी बहुत होगा। तो आप देख सकते हैं हम लोग ये कवाड़ा एक पार कर रहे हैं। ये जो इधर जाता है कि वो कवाड़ा है, जो उधर जाता है वो गोपालगंज चला जाएगा। ये जो हम लोग जा रहे हैं, ये जा रहा है, ये चला जाएगा बथुआ बाज़ार। जो हम लोग जा रहे हैं अभी बथुआ बाज़ार तो नहीं जाएंगे, बीच में से कट जाएंगे अपने गांव साहबगंज डेरवा। हम लोग कितने बार आ चुके हैं फोटो शूट करने के लिए, आप लोग ये कितना अच्छा नज़ारा है। देखिए ये जो टावर है, बड़ा टावर है, वो देख सकते हैं आप लोग, बड़ा टावर। देखिए इतना अच्छा हरा भरा सब खेत है, कुछ दिन के बाद सब सूखा हो जाएगा, गेहूँ का कटनी चालू हो जाएगा। अभी देख सकते हैं इतना बड़ा, इतना वहाँ पे दो कवाड़ा था नदी में, अब इधर आए तो यहाँ पे एक और फटा गया। देख सकते हैं कितना अच्छा, उधर पानी ठेला हुआ है, इधर पानी अभी कम है, नहीं यहाँ पानी है, लेकिन तभी कितना अच्छा दम बह रहा है। देख सकते हैं हम लोग चले अब। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि कितना अच्छा नज़ारा है और कितना अच्छा नहीं। आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा, नहीं आएगा तो मत कीजिएगा, आपका मर्जी। लेकिन हाँ, लाइक कमेंट कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करके जाइएगा, हमारे वीडियो पर नए हैं तो। रामपुर जाना है तो यहाँ से जाएगा ये रास्ता,
जो यहाँ से गया हुआ है। ये एक गांव है, इस गांव का हम नाम नहीं जानते हैं। ये गांव जाने का पुल है, देख सकते हैं। ये छोटा मोटा यहाँ पे दुकान है, देख सकते हैं आप लोग। ये कितना अच्छा नज़ारा है, हम लोग कितना बार यहाँ पे आ चुके हैं फोटो शूट कराने के लिए। आप लोग की भी इच्छा हो तो आप लोग भी आकर फोटो शूट करा सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा फोटो आता है यहाँ। दिलीप भाई, आपको नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है बता सकते हैं? बहुत अच्छा, दिलीप भाई बोल रहे हैं बहुत अच्छा, होना भी चाहिए। देख सकते हैं ये यहाँ पे एक गांव बसा हुआ है, नहर के पास छोटा सा गांव है। हरण ले लीजिए, अब यहाँ से हम लोग घूमें जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ये जो सीधा चले जाइएगा बथुआ बाजार, 6 किलोमीटर है। यहाँ से हम लोग अपने घर अब जा रहे हैं। कितना नंबर का गाड़ी? 3 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर लगा लीजिए, थोड़ा इसको चलाइए। 30 पर है तो 30 पर लीजिए, कहीं खरंजा रास्ता खत्म हो रहा है, स्पीड करता है नहीं करता है। बनाकर भेजते रहेंगे, डालते रहेंगे YouTube पर, आप लोग देखते रहिएगा। बाकी है
कितना नंबर है, ठीक है, कभी भी चिंता कीजिएगा, यहाँ पे हमारे लिए स्पेशल है। चलिए चलिए, देखिए ये रास्ता चला जाएगा सिमरा, आइए हम जा रहे हैं। ए चेयरमैन क्या है, चलिए आप आगे ताकिए, वो चेयरमैन थे हमारे गांव में जो सब्जी बेचते हैं, उनका नाम आप रखे हैं चेयरमैन। मतलब ज्यादा होते हैं, चलो आगे कभी भी कोई भी गाड़ी हो आप चला रहे हैं तो जब आगे से गाड़ी आए तो सीधा कर लेना चाहिए। जानवर पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, जानवर कहीं भी निकल जाते हैं। हरण लीजिए, साइड सीधा कीजिए, हरण लीजिए, हरण देकर निकल जाना चाहिए। जब देख रहे हैं बड़ा गाड़ी है, माल लगा हुआ है, वकील चला रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे भाई जो गए थे कहीं पे, आ रहे हैं गाड़ी लेकर, बाइक है जो स्कूटी है चार्ज वाला, क्या हुआ चार्ज खत्म है, पकड़ के ले चले, चले कि आएंगे, रुकिए यहाँ पे, रुकिए छः में रुकिए। तो आप हमारे साथ यहाँ तक बनने के लिए थैंक्स। मैं यहाँ पे आपको इसलिए थैंक्स बोला कि मेरा एक भाई स्कूटी लेकर आया है चार्ज वाला, उसका चार्ज ख़त्म हो गया है, वो आगे की तरफ गया है, हम लोग बाइक से हैं, देख सकते हैं बाइक से हैं हम लोग, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि उसको हाथ दे दें, इस तरह हाथ पकड़ कर धीरे धीरे लेकर चले जाएँ। किसी के भी मदद करना बहुत बड़ा बात है, तो वो आगे चला गया, हम लोग बोले उसको आगे चलो तुम, हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए आगे की तरफ हम आपको और दिखाते हैं, आगे घर चलेंगे तो आपको वहाँ पे और कुछ बताया जाएगा, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हमारा बाइक स्टार्ट हो गया, अब आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे जाकर वहाँ पे रुके हुए हैं, ट्रेन चल रहे, थोड़ा रोक रहे हैं, थोड़ा चल रहे हैं, थोड़ा रोक रहे हैं।
हाथ दे दे चलते इस तरह हाथ पकड़ कर। चार्ज भी एक फुट ही है लेकिन चलिए हाथ देखिए हम हाथ दे दिए हैं इन भाई को, अब लेकर चल रहे हैं भाई, धीरे चलाइए। यहाँ पर रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए अब हम यहाँ पे ब्लॉग बन कर रहे हैं, भाई को मदद करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, जितना है उतना। तो फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं भाई का मदद किए, स्कूटी का चार्ज ख़त्म हो चुका था तो हाथ पकड़े और उनको लेकर आए। धीरे धीरे मदद करना बहुत अच्छी बात है, मदद करने भी चाहिए। तो हम आपको ये बोल रहे हैं कि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चल